मनीषा जी सामने सामने सॉरी 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 अरे देखो इधर खतरों में जा सकती हूँ जितना शौक देना है। 17 में जाने लगे बिग बॉस अप्रोच किया है बट अभी मैंने कंफर्म नहीं किया है तो बताऊंगी मैं आपको। बोलो रुके नबी के तो ये साइड है वेट वेट इधर ही वेट ये आराम से करो नहीं 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 बस 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 यार कौन है अरे यार अरे मां क्या कर रहे हैं अबे मैं पीछे देख बस बस इधर ही इधर ही इधर ही बेबी का जी इधर ही रुकिए थोड़ा सा पीछे एक कुर्सी थोड़ा पीछे बस 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 इधर ही इधर ही इधर ही देखो इधर देखो बेबी का जी इधर ही रुकिए अरे बेबी का जी इधर अरे किधर जा रहे बेबी का जी इधर रहिए ना खड़े इधर ऐसा होता है मैडम इधर देखो कैसे हो मैडम मैम कैसे हो आप सब कैसे हो बस फर्स्ट क्लास है कुछ बिग बॉस चल रहा है बेबिका जी कल के दिन कुछ देखे इंस्टा पे फैंस मीट हुआ है एल्विश का हाँ मैंने देखा और सीएम भी आए थे ना हाँ बहुत अच्छी बात है ऐसे ही ग्रो करे वो और ऐसे ही सक्सेसफुल होता जाए मुझे तो लगता है वो अभी इंटरनेशनली भी ग्रो करेगा काफी जानी मानी हस्ती बनेगा सिर्फ इंडिया का ही नहीं अब पूरे दुनिया का सिस्टम हैंग करने वाला है डेफिनेटली और अभिषेक अभिषेक भी एक यूट्यूबर ही है अभिषेक अभिषेक भी बहुत आगे जाएगा वो तो बहुत एम्बिशियस है अभिषेक हमेशा एक फार साइटेड विजन रखता है वो छोटी मोटी चीजों से कुछ होने वाला बंदा नहीं है वो काफी तगड़ा सोचता है जिंदगी जीता नहीं इसके लिए मुझे पता है वो भी बहुत आगे जाएगा लेकिन बेबिका जी अभिषेक जीता नहीं इसके लिए ट्रोल कर रहे हैं फैंस ट्रोलिंग की क्या जरूरत है उसको इतना प्यार मिल रहा है पूरी जनता से तो जीतना उतना मायने नहीं रखता है लोगों के दिल में उसने जगह इतनी बना ली है वो ज्यादा मायने रखता है तो मुझे नहीं लगता ये हेट अननेसेसरी स्प्रेड करनी चाहिए या ट्रोलिंग होनी चाहिए अगर उसकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी उसके साथ इन्वॉल्व है तो ऑफकोर्स पोजेसिव मनीषा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे कि मनीषा लाइफ में बहुत आगे जाए क्योंकि उसने जितना स्ट्रगल किया है लाइफ में और जितना कुछ झेला है लाइफ में हम में से किसी ने उतना स्ट्रगल नहीं किया है मतलब हमें फिर भी हमारे माँ बाप ने बचपन से दी है लेकिन मनीषा ने सब बहुत दुनियादारी देखी है और बहुत स्ट्रगल किया है तो मैं यही प्रे करूँगी कि वो लाइफ में बहुत आगे जाए उसकी हर मुराद पूरी हो उसका हर ड्रीम पूरा हो अच्छी चल रही है मैं तो ज्यादा अपने घर पर ही बता रही हूँ फैमिली के साथ ही बताने में ज्यादा मन कर रहा है लेकिन देखते हैं अभी इट्स ऑल इन फुल स्विंग बहुत सारा काम करना है और अच्छा काम करना है और आगे बढ़ना है काफी कुछ आ रहा है बट अभी कुछ कंफर्मेशन भी नहीं है तो आई ठीक है बेबी का जी एक लास्ट सवाल अपने आने वाले कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट और फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे फैंस के लिए चाहूंगी कि आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए और गॉड ब्लेस थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस कुछ अच्छा आने वाला है और चल ठीक है ऑल द बेस्ट वेल इट वुड बी अ मूवी बिग बॉस 17 दादा बिग बॉस 17 काफी अच्छे पैमाने पर बिग बॉस 17 अन जाने वाली है ये प्रोजेक्ट मुझे बिग बॉस से पहले मिल चुका था तो अभी मेरा पहला फोकस उस पर है एंड इवेंचुअली मुझे म्यूजिक वीडियोस वेब और बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में बहुत ही इंटरेस्ट है तो लेट्स सी क्या बात खतरों के खिलाड़ी मिलेगा तो ठीक है आपने देखा होगा बिग बॉस में शॉक पे शॉक दे रहे थे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था तो मुझे लगता है शायद मैं खतरों में जा सकती हूँ ये तो जितना शौक देना है और 17 में जाने लगे बिग बॉस अप्रोच किया है बट अभी मैंने कुछ कंफर्म नहीं किया है तो बताऊंगी मैं आपको ठीक है ठीक है ऑल द बेस्ट फोटो मैडम इधर देखो मनीषा जी सामने सामने सॉरी 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 अरे देखो इधर भाई नहीं अलग सॉरी सॉरी मैं मिस कर रही हूं उसको बेबी का सेंटर सेंटर वक्त बिताया मैंने उसके साथ सरोज रास्ते भारी नहीं है चलो मैम थैंक यू ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट अब पीछे कोई नहीं जाएगा अब पीछे कोई नहीं जाएगा कोई मत जाना कोई नहीं जाएगा इधर ना सब उठे जो है चलो चलो अरे क्या चलो चलो कर रहा है खाने को पूजा जी आ गया थैंक यू मैडम थैंक यू बस बहुत हो गया है ना चलो चलो
चलो भाई।